नाज़रीन आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कौमी सलामती का सबसे अहम जुज़ खुद इन्हिसारी और माली इस्तेहकाम है। वज़ीर-ए-आज़म का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल सिक्योरिटी की सिर्फ मैं एक बड़ा ब्रीफ से आपको बात करूंगा, उसके बाद मैं ये चाहूंगा कि आप कोई भी मेरे से सवाल पूछें। देखिए, पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसकी जो सबसे बड़ी हमारे लिए अहम चीज़ है वो ये कि हम अपने पैर पर खड़े हों। आपकी कभी भी सिक्योरिटी गारंटीड नहीं हो सकती या आपकी सॉवरेंटी जब तक कि कौम खुद अपने पैर पर खड़े हो, उसको कर्जे ना लिए हों, जो एड ना मांगे, जो अपने खर्चे अपनी रिसोर्स से मीट करे, वो असल में सिक्योरिटी आपकी होती है। जब भी एक कौम खसारे में होती है, उनको पैसे बोरो करने पड़ते हैं, तो उनकी वो इनसिक्योर होती है। तो ये सबसे प्राइमरी इम्पोर्टेंस ये है कि जो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस है वो आपको सबसे बड़ी सिक्योरिटी देती है। और जितनी जितनी आप अपनी रिसोर्सेज जनरेट करते हैं, उनसे फिर आप जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक मुल्क को सिक्योरिटी मिलती है वो उसकी ह्यूमन रिसोर्स है। आप अपने लोगों के ऊपर खर्च करते हैं, उनकी तालीम पे करते हैं, उनके इलाज पे करते हैं, उनकी सेहत पे करते हैं, उनको साफ पीने का पानी देते हैं, उनको उनकी स्किल्स डेवलप करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं इंसानों पर, तो वो फिर दूसरी सिक्योरिटी होती है। एक पढ़ी लिखी कौम जो कि अवेयर होती है, जिसके पास स्किल्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो अपना खुद ध्यान रख सकती है। जो भी कौम आप देख ले दुनिया में जो आगे बढ़ी हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि उनकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर होती है। अमेरिका जब सुपर पावर बने तो लोगों को ये नहीं पता कि 1900s में अमेरिका ने सबसे ज़्यादा तवज्जो हायर एजुकेशन पर दिया, सबसे ज़्यादा दुनिया के ग्रेजुएट्स उनके पास थे, और वो एकदम एक ट्रांसफॉर्म हुई और मेजर पावर बन गई क्योंकि उनके पास स्किल्स थे अपनी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करने के लिए। उसी तरह जर्मनी, जापान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जर्मनी पहली वर्ल्ड वॉर में तबाह हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, वही जापान का कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो एटम बॉम्ब्स और तबाही, लेकिन वो फिर से खड़े हो गए क्योंकि उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स थी वो डेवलप थी। तो जब आपके पास पैसा इतना नहीं होता अपने लोगों के ऊपर खर्च करने का, तो वो फिर वो सेकंड आपकी इनसिक्योरिटी हो जाती है। जब आपके पास ज़्यादातर लोग एजुकेटेड नहीं होते, उनके स्किल्स नहीं होते, तो जो आप अपने सबसे पावरफुल अपने जो अवाम होती है उनका पोटेंशियल नहीं आप ऊपर ला सकते, और जब अवाम का पोटेंशियल ऊपर नहीं आता तो फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा नहीं उठा सकती। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में, वो शायद ही अल्लाह ने किसी मुल्क को इस तरह की रिसोर्सेज दी जो हमारे मुल्क को दी हुई है, लेकिन हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है उनको 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 इस्तेमाल करने की, उनको एक्सप्लॉयट करने की। हमारा जो ये नॉर्दर्न एरिया है पाकिस्तान का, ये स्विट्जरलैंड से दुगना है, सिर्फ नॉर्दर्न एरिया हमारा, और इसमें जो खूबसूरती है वो आप दुनिया रिकग्नाइज कर रही है। आप दुनिया में हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने 220 का बेस्ट नंबर वन कॉन्डेनास्टिक, बहुत बड़े उनकी पब्लिकेशन है इंटरनेशनल, उन्होंने पाकिस्तान को नंबर वन टूरिज्म डेस्टिनेशन 220 का बनाया क्योंकि दुनिया डिस्कवर कर रही है कितनी खूबसूरती है। अब सोचें कि हमारी जो जनरेट करती है नॉर्दर्न एरियाज और सारा पाकिस्तान की टूरिज्म, हालांकि पाकिस्तान की टूरिज्म में सिर्फ पहाड़ तो एक एस्पेक्ट है, उसके बाद हमारी हिस्ट्री है बहुत। बलूचिस्तान में तो 7000 साल पुराना सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 पुराना है, फिर हमारे पास मुगल हिस्ट्री है, फिर सिख हिस्ट्री है, फिर उससे पहले हिंदुओं के हमारे पास हिस्ट्री है, और फिर हमारे पास रिलीजियस टूरिज्म है, बुद्धिज्म का ये सेंटर रहा, ये सारा ये जो टेक्सला से नॉर्थ, और उसके अलावा फिर सिखों के लिए सबसे उनकी मक्का और मदीना पाकिस्तान में है, और फिर हिंदुओं की बड़ी साइट्स हैं यहाँ। तो ये सारी रिसोर्सेज लेते हुए पाकिस्तान के जो टूरिज्म से पैसा कमाती है, मेरे ख्याल में कोई
10 या 20 मिलियन डॉलर भी नहीं कमाता होगा। अब ये सोचें कि स्विट्जरलैंड आधा उनका नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान से, वो हर साल 80 अरब डॉलर अपनी टूरिज्म से कमाता है, 80 बिलियन डॉलर्स। हमारा सारा एक्सपोर्ट्स 20 बिलियन डॉलर है, तो सिर्फ टूरिज्म से वो 80 बिलियन कमाता है, क्योंकि वहां एक एजुकेटेड पॉपुलेशन है, उनको पता है उन्होंने कैसे डेवलप करनी है, रिजॉर्ट्स बनाई हुई हैं, साफ भी मुल्क रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं। सो ये होता है जब आप अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। उनकी बड़ी 99% लिटरेसी रेट है, उनकी पढ़े लिखे लोग हैं, हायर एजुकेशन है। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी होती है जब अपने लोगों को आप तालीम नहीं दे सकते, स्किल्स नहीं दे सकते, हायर एजुकेशन नहीं दे सकते। और वो बदकिस्मती से हमारी प्रॉब्लम कि हमने अपनी जो इकॉनमी का फ़ायदा नहीं उठाया। हमने इंडस्ट्रियलाइज हो रही थी पाकिस्तान 60s में, सबसे तेज़ी से हम इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे 60s में। पाकिस्तान सारे बड़े सगीर में से सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, और फिर अपने गलत पॉलिसीज़ की वजह से अपना पोटेंशियल खो बैठे। फिर बाकी इनसिक्योरिटीज़ जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पानी का एक बहुत बड़ा मसला आगे आने वाला है हमारा, और उसके लिए हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। अभी तक हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की, इसलिए हम देख रहे हैं शहरों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पानी ख़त्म हो रहा है। ये हमें पहले से सोचना चाहिए था, ये तो 20-30 साल पहले से सोचना चाहिए था कि कोयटा का पानी का क्या प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान का क्या है, इस्लामाबाद में अब कई इलाकों में पानी नहीं मिलता, लाहौर का पानी अब इतना नीचे चला गया जो ग्राउंड वाटर है उसका, तो ये कराची के पूरा पानी का माफिया बना हुआ है जो अरबों रुपया कमाता है हर रोज ही तकरीबन पानी से। सो ये क्योंकि हमने कोई प्लानिंग नहीं की। पाकिस्तान का जो असल में हमारे मसले सबसे बड़े रहे हैं कि हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। एक माशरा जब तक वो अपनी अगली जनरेशन का नहीं देखता, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करता, फिर वो फायर फाइटिंग करता है जो हम कर रहे हैं। चाइना की जो सबसे बड़ी कामयाबी है आज, अगर आप चाइना में देखें, मैं आज आपको कह रहा हूं कि कोई मुल्क चाइना का मुकाबला नहीं करेगा जिस रेट पे वो जा रहा है। चाइना अब सारी दुनिया को पीछे छोड़ जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि चाइना के अंदर उनके पूरे उनकी जो बेस्ट माइंड्स हैं वो अभी से लगे हुए हैं 20-30-40 साल की प्लानिंग करने। तो जब आप लंबी प्लानिंग करते हैं तो फिर आप पहले से क्राइसिस को अवर्ट कर लेते हैं। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा इशू है कि हमने, क्योंकि हमारी इनसिक्योरिटी की ये भी वजह है। लेकिन खुशकिस्मती ये है पाकिस्तान की कि अल्लाह ने इसको जो रिसोर्सेज दिए हैं, मसलन सारा मिडल ईस्ट है आपका, किसी के पास इस तरह की जमीन, जरखेज जमीन और पानी नहीं जितना हमारे पास पानी है। हमारे से मुल्क जिनकी हमारे 20% पानी है पानी के पाकिस्तान के मुकाबले में, वो हमारे से 3-3 गुना ज्यादा अपनी एग्रीकल्चर आउटपुट लेते हैं, यील्ड्स उनकी हमारे से ज्यादा है, क्योंकि जो पानी है उसका भी सही इस्तेमाल नहीं करते। सो पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत है। हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डबल ही कर लें तो पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन जाता है।